रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम लोगों में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों मुबारक में बेहतरीन बनना चाहते हैं तो साहिब कुरान करीम सीखे। और साल में एक दफ़ा ये दौरे तफसीरुल कुरान शुरू होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत शेखुल कुरान मौलाना खलीलुर रहमान साहब कुरान करीम का तर्जुमा, तफसीर और साहिब बेहतरीन कुरान करीम का खुलासा वो पेश करते हैं। चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, बहुत आसान तरीके से कुरान करीम सीख जाता है। चूँकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तहकीक के साथ मैंने कुरान आसान किया, कौन है जो इससे फ़न और नसीहत हासिल करे, तो साहिब कौन है जो इस कुरान से फ़न और नसीहत हासिल करेगा। जो इस शहर पेशावर में है तो उनको दावत है कि 14 फरवरी को इंशाल्लाह दौरे तफसीर की इफ्तिताह है, आप लोग ज़रूर आएँ और उस्ताद मोहतरम की मजलिस कुरान को ज्वाइन करें। और जो लोग जो है दूसरे शहरों या इलाके या जो है साहिब और ममालिकों में हैं, तो वो जो है ऑनलाइन दर्स सुन सकते हैं। सबको दावत फिक्र है कि कुरान करीम सीखे, समझे, अमल करे और इसका बयान करे। बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी में कुरान को दाखिल कीजिए। हमारे उस्ताद जी फरमाते, वो भी क्या ज़िंदगी होगी भला कि जिस ज़िंदगी में अल्लाह की किताब ना हो, जिस ज़िंदगी में कुरान ना हो, तो साहिब वो भी कोई ज़िंदगी होगी। आप सोचें और अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि हम किधर जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी 14 फरवरी से अपनी ज़िंदगी को अच्छे काम में यूटिलाइज़ करें। दौरा तफसीरुल कुरान शुरू हो रहा है, ज़रूर आए। और इस दिन वैलेंटाइन डे भी है, वो साहिब गलत मजलिसों की बजाय अच्छी मजलिसों में आए और कुरान करीम की महफिल को ज्वाइन करें। जज़ाकअल्लाहु खैर।